प्रमुख रामू जी को मैं कुर्सी से हटाना चाह रही हूँ। अब सीधे रामू को हटाना चाहती, रामू गुप्ता क्या बात है, ढंग से काम नहीं करते हो। ए रामू भैया क्या बात है, ढंग से काम नहीं करना चाहते हैं, क्या बताया जाए। सब चाची और दीदी लोग उससे ही रहे, भाभी और सब देखा तो भैया बच्चन का साथ है, लेके चली आई रहा है बाराबंकी जिले के जिला अधिकारी कार्यालय। आपका बता दी कि निंदूरा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ ये क्षेत्र 50 सदस्य लामबंद हो गए हैं। इनका यही कहना कि देखो इनका हटावा जाए और दोबारा चुनाव करावा जाए। 114 में से भैया 88 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर ज्ञापन में साइन वाइन करके भैया डीएम साहब का अधीन है और जांच करे कार्रवाई का भैया इन लोगों का आश्वासन मिला है। अब देखो भैया कब तक हुआ था कार्रवाई, लेकिन चाची मुख से लोगों की बात सुन लो। जिलाधिकारी कार्यालय ही क्या कुछ, मैं सर इसलिए आई हूँ, ब्लॉक प्रमुख रामू जी को मैं कुर्सी से हटाना चाह रही हूँ। वो इतना दलाल है, दलालों द्वारा सारा कार्य करा रहा है, हम लोगों को ब्लॉक में कोई सम्मान या कोई वो नहीं दे रहा है। अभी लोग सावित्री जी से कम से कम 90 लोग हैं, 85-90 लोग आए हैं, कई बार यहाँ डीएम साहब के पास आए हैं अविश्वास के खिलाफ। अब चाहे संगीता हो, अवधेश हो, हरिलाल हो, गंगाराम हो, या क्या कहते हैं छत्रपाल हो, अनिल हो, सबके सब भैया यही कह रहे हैं कि देखो जो हम लोग उनके ब्लॉक प्रमुख है ढंग से काम नहीं करते हैं भैया, और जब काम करी है ना जनता की समस्या का समाधान न करी है तो ऐसे ब्लॉक प्रमुख कौन काम के। अब यही सब आरोप लगाए हैं भैया, हम कह रहे आपको बता दी, बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरी खबर देख ली थन। अब मानो भैया चाहे ना मानो, सांसद उपेंद्र रावत जी बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के देखा तो रेलवे स्टेशन का रंग रूप हो रहा है और सूरत बदली जा रही है, और उनके साथ देखा तो नवीन भैया भी दिखाई दिया था। हम कह लो तनिक आपको बता दी कि बाराबंकी जिले के रेलवे स्टेशन के पास यू देखो भैया बड़ी सी LCD लगी रहा है, और इमर देश के प्रधानमंत्री जावती हैं, बटन दबा उठे हैं, 85 करोड़ से अधिक रेलवे की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, जिसमें ट्रेनें शामिल हैं, रेलवे स्टेशन का दोहरीकरण है, सौंदर्यीकरण है। अब बाराबंकी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का कार्य तो चल ही रहा, लेकिन इस दरमियान देखा तो भैया अकबरपुर से बाराबंकी रेलवे मार्ग को भी दोहरीकरण किया जा रहा। अब दीदी भैया पटरी मिली है, सब जने दौड़े का बात है, हम कह लो तरीका आपका बता दी, बाकी रेलवे स्टेशन की भैया रंग रूप सूरत बदली जा रही, बहुत ही तेजी से काम चल रहा, सांसद उपेंद्र रावत जी शिलान्यास कर रहे हैं, मोदी जी बटन दबा उतर रहे हैं, और बाकी भैया नवीनों भैया दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस प्रकार रखमन की जगह दूसरी खबर देख ली था। अब नगर पालिका के ठेकेदार बहुत मेहनती है भैया, आज हम नगर पालिका गए देखें, वाह भैया वाह, खोपड़ी ले ले फाइल दौड़े, खोपड़ी ले ले फाइल दौड़े, उनका मन भागम दौड़ी मचाए रखे बेचारे, बहुत मेहनती है। एक जन हमसे कहें कि देखो भैया चुनाव का समय आचार संहिता लागू होने वाली है, जिसको लेकर के बेचारे ठेकेदार बड़ी मेहनत कर रहे हैं भैया, दौड़ भाग कर रहे हैं, सब बखत अपना अपना बांध बनवा रहे हैं, तब तो क्षेत्र का विकास होगा। हम वाह भैया वाह, बहुत नीक काम करें सब जने, तनिक इनकी प्रशंसा कर दी, बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरी खबर देख ली थन। अब तनुज पुनिया तो पक्का चुनाव जीती हैं भैया, देखा तो बहुत नीक आदमी इनका मिल गए, पप्पू मिल गए हैं, और का भैया कहूँ वो नहीं मिले हैं, बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में मिले हैं। हम गलत तरीका आपका बता दी कि देखो कल बाराबंकी जिले के भैया हैदरगढ़ क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस का समर्थन करते हुए पप्पू सिद्दीकी और उनके साथ भैया देखा तो राम सागर रावत जी, तो वहाँ भैया समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता दिखाई दे रहे थे। अब भैया तनुज पक्का चुनाव जीती है, मानो मेरी बात, तू जो का है देखा तो है, देखा क्षेत्र में पप्पू समर्थन कर रहे हैं, अब पप्पू भैया देखा तो किए साथ हैं, तनुज के साथ हैं, हम कहला तनिक आपका बता दी, बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरी खबर देख ली थन। अब कांवर ठेकेदार साहब कितना पैसा बचाओगे, ढंग से काम करो, मामला बाराबंकी जिले के ग्राम भैया मजीठक बतावा जा रहा, जहाँ पर देखा तो ग्राम पंचायत द्वारा कार्य करावा जा रहा, और स्थिति देखो गांव के लोग भैया वीडियो बना बना सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, और कहा था कि देखो भैया पीले ईंटे का इस्तेमाल हो रहा, और नंबर एक का मसालों नहीं डाल रहे, बड़ा छीछा लेदर है, लगत है नाली का निर्माण करके ईसान कर रहे हैं लोगन पा। हम कह लो तो निका आपका दिखा दी कि उम्मीद करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष देखेंगी तो निक फटकार लगाएंगी, और जो काम गलत हो रहा है उसको सुधारने का प्रयास करेंगी। अब आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरी खबर देख ली थन। अब कहो दीदी काहे हाथ जोड़ती रह रहे भैया, दीदी हाथ नहीं जोड़ती ना, दीदी लोगों का जागरूक करते रहेंगे, देखो झाड़ फूर के चक्कर में ना पड़ो, अगर आपको सांप काटता है तुरंत भैया वहाँ पर कपड़ा बांधो और फटाक से अस्पताल लेकर के पहुँच जाओ, वहाँ पर आपको डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे और आपके बच्चे की आपकी जान बच जाएगी। हम कह लो तो नहीं आपका बता दी कि बाराबंकी जिले में देखा तो भैया ग्राम बगदा खसपरिया माँ सांप से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया रहा है। बाबा के पास तो बिल्कुल ही मत जाए। अरुण कुमार जी के नेतृत्व में पूरे जिले भर में लोगों का जागरूक किया जा रहा है, जगह जगह प्रचार हो रहा कि अगर आपको सांप काटे भैया तो किसी झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए, चुपचाप से बगैर कपड़ा बांध करके उसको अस्पताल पहुँचाने का काम कीजिए। हम कह लो तो नहीं आपका बता दी, बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरी खबर देख ली थन। अब थोड़ी सी पिला दो भैया थोड़ी सी, अरे पीकर के टुल हो जाएंगे, रात को बउराएंगे। मामला बाराबंकी जिले के जंगीराबाद थाना क्षेत्र के सद्दीपुर गांव का, जहां पर देखा तो देसी शराब की दुकान है और रात के 10 बजे तक भैया देखा तो शराब बेची जाती है, सब लड़का लोग वीडियो बना बना सोशल मीडिया पर वायरल करके हमका भेजी। हम कह लो तनिक आपका दिखा दी कि आबकारी विभाग के अधिकारी साहब तनिक जागिए, होली का समय आ रहा है और यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे, बताइए रात के 10 बजे तक दुकान खुली रहती है, सही बात है। बाकी आप लोगों की कार्यक्रम की जगह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शम्मा साहब खुश पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा देना। तबियत थोड़ी हमारी खराब है, गला बैठ हुआ भैया, खांसी बहुत तैयारी कहा बताई, बड़ी दिक्कत है।